दोस्तों आपके फ़ोन में जस्ट अभी ही पबजी ओपन होना बंद होना हो गया होगा। जस्ट एक बंदे दो बंदे के लिए पूरे इंडिया में ये फिलहाल में फाइनली बंद हो गया है। जैसे कि दो दिन पहले अनाउंसमेंट हुई थी 30 अक्टूबर को पबजी ऑल ओवर इंडिया से सर्वर से हटा लिया जाएगा। आज पर सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे भैया क्या हट गया फाइनली और ये क्या आगे भी नहीं चलेगा और क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या एरर आ रहा है। सबसे पहले हम अपने फ़ोन पर पबजी ऑन करके देखते हैं भैया आखिर प्रॉब्लम क्या पंगा क्या आ रहा है। देखिए मैंने पबजी पर टैप करा, पबजी क्लिक करने के बाद मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। देखिए पबजी ओपन हो रहा है, ये जस्ट देखते हैं ये टाइम लेगा थोड़ा सा, इसे ओपन होने देते हैं। स्टार्टिंग पबजी मोबाइल। तो गाइस अचानक ही जस्ट इंडिया में अभी हुआ है जब पबजी एकदम सर्वर से हट गया। इससे पहले काफ़ी बंदों करीब करीब हर बंदे के फ़ोन में चल रहा था जिनके फ़ोन में इंस्टॉल था वो। देखिए कुछ अपडेट मांग रहा है 2 MB का, हम अपडेट पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अभी तक तो फिलहाल चल रहा है, ये कोई इशू नहीं आ रहा इसके अंदर। तो आगे देखते हैं गाइस, और ये भी बताऊंगा आगे मैं इस वीडियो में कि भैया आगे पबजी बैन हुआ है नहीं हो, तो पहले बता दो पबजी बैन नहीं हुआ है, बस इसका सर्वर बंद हुआ है उसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे आगे भैया। सबसे पहले इसका एरर देखते हैं, एरर क्या आ रहा है, सारी आपकी क्लियर हो जाएंगे डाउट जो भी आपके आ रहे हैं। देखिए मैंने पबजी ऑन कर दिया यहाँ से, और जैसे ही यहाँ से अपडेट ओपन होने के बाद ये ऑन हो रहा है तो यहाँ पर एक एरर आ गया। देखिए गाइस यही एरर जो सबके फ़ोनों में दिख रहा होगा, सर्वर इज़ बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, एरर कोड रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब एरिया का जो एरिया है यहाँ का रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, जो भी सर्वर था यहाँ का उस पर फिलहाल जो पबजी ऑन हुआ था जो डाटा रखा था पबजी मोबाइल का वो बंद हो चुका है। गज एक्चुअली ये बंद नहीं हुआ है, जो टेंसेंट सर्वर था उस सर्वर टेंसेंट ने अपने सर्वर से पबजी को हटा दिया है, क्योंकि आज से आपको पता है 2 सितंबर को ही पबजी बंद हो चुका था इंडिया से बट सर्वर पे वो अवेलेबल था। और लेकिन जैसे उसके 4-5 दिन बाद ही पबजी कंपनी कॉरपोरेशन था जो कोरिया का है, उसने पबजी टेंसेंट जो चाइना टेंसेंट कंपनी उससे अपना करार तोड़ दिया था, उसके बाद भी सर्वर पर चल रहा था बट फाइनली सर्वर से हटा लिया। इसका रीज़न बताते हुए देखिए उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है जो पबजी की ऑफिशियल साइट है, हमने चेक करा है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देख सकते हैं आप। डियर यूज़र, इसमें लिख रहा है पबजी कॉरपोरेशन विल मर्ज इनटू क्राफ्टून एज ऑफ दिसंबर 2020, यानी कि आपको भैया 2 दिसंबर के बाद हो सकता है पबजी क्राफ्टून से मर्ज हो जाएगा और पबजी दोबारा इंडिया में अनबैन हो जाएगा। फिलहाल में ये कह सकते हैं अनबैन होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि पबजी चलना बंद हो गया है, क्योंकि पबजी अपना नया सर्वर अब बनाएगा जो इंडियन सर्वर होगा, पबजी चाइनीज सर्वर से हटा रहा है और दोबारा से इंडियन सर्वर के थ्रू इंडियन वर्जन में वापस लॉन्च होगा। यानी कि अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बंदे सोच रहे होंगे पबजी बंद हो गया है इंडिया में अब नहीं चल रहा है फाइनली, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया अनबैन का। साथ में हमने फेसबुक के जो पबजी का फेसबुक के ऑफिशियल वो है जो कि टेंसेंट रन करता है उस पर पेज पर हमने क्लिक करा तो देखा है वहाँ से लिखा है डियर फ्रेंड टू कंप्लीट विद द कंप्लाई विद द इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेट ऑफ सितंबर 2020। इसमें लिख रहा है कि हम जो पबजी से हमारा टेंसेंट कंपनी ने बोला है कि करार था वो टूट गया, फाइनल द राइट टू पब्लिशर पबजी मोबाइल इन इंडिया विल बी रिटर्न टू द ओनर ऑफ द पबजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपरली, मतलब वो वापस से ही पबजी के अंदर ही आ गया है पबजी मोबाइल भी। पबजी जो टेंसेंट उसे रिलीज़ कर रही थी टेंसेंट ने इसे करार तोड़ दिया है अपने सर्वर से, उसे बंद कर दिया है फाइनली। अब पबजी अपने नए सर्वर यानी कि जो क्राफ्टून के साथ जो मर्ज करेगा 2 दिसंबर के बाद, उसके बाद हो सकता है आपको जल्दी ही देखने के लिए पबजी मिल जाए। तो गाइस एक खुशखबरी के जैसे देख सकते हैं कि पबजी वापस से अनबैन होने वाला और चौकी का नहीं, हो सकता है आपको 2-1 दिन के अंदर ही कोई पबजी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिख जाए कि पबजी की कोई एक्चुअल डेट आ जाएगी कब वो इंडिया में वापस आएगा। तो गाइस ये सारे इसके ऊपर डिटेल मैंने थी जो मैंने आपको बताई है कि काफ़ी बंदे घबरा रहे थे, डर रहे थे कि पबजी बंद हो गया है चलना बंद हो गया, तो भैया बिल्कुल भी घबराइए मत, हो सकता है आपको 1-2 महीने वेट करना पड़े लेकिन आपको फाइनली अनबैन प्रॉपरली पबजी खेलने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोग गाइस बता दूं यहाँ पर खेल सकते हैं अगर वो VPN यूज़ करते हैं, तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी ID खतरे में पहुँच सकती है, खतरे के निशान आपके ID पर आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी अपनी ID से छेड़छाड़ ना करें, थोड़ा वेट करें जैसे अपने प्रॉपर पबजी दोबारा लॉन्च होगा क्राफ्टून के साथ मर्ज होकर, देन उसे प्ले करें। तो गाइस इसके ऊपर वीडियो मैंने सारी डिटेल आपको बताने की कोशिश करी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं गाइस अनदर वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।